Hello friends, welcome back to the channel BSS Biology Sample Solution. Today we were going to talk about a new fresh new chapter. As you can see the chapter name is transpiration. तो आज हम बात करेंगे एक नया chapter के बारे में. पिछला chapter हमने finish कर दिया था और साथ ही साथ आज आगे बढ़ेंगे हम एक नए topic और नए chapter के साथ. तो शुरू करते हैं, चलिए let's get शुरू करते हैं. तो आज के वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के आंसर को बताना चाहूंगा. अगर आपने उस क्वेश्चन के आंसर को नहीं किया है तो इस वीडियो को देख लें और आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. अगर कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है. और साथ ही बढ़ते हैं हम इस वीडियो के साथ. और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो एक नया चैप्टर ट्रांसपिरेशन के साथ. और ध्यान रहे ये एक ट्रांसपिरेशन है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट वीडियो क्वेश्चन. एंड द लास्ट वीडियो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप. एसेंट ऑफ सैप क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकिन कभी कभी कंफ्यूजिंग कर देता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर है द एसेंट ऑफ सैप इज इन द जाइलम टिश्यू ऑफ अ प्लांट इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. अगर इसमें कुछ नहीं याद हो, सिर्फ इतना याद हो कि एसेंट ऑफ सैप मींस कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर. अ प्लांट में अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर कौन कराता है? कौन सा टिश्यू कराता है? दैट इज योर जाइलम. कौन सा? जाइलम कराता है. सही पकड़े हैं आप. तो ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर. एंड द सेकंड क्वेश्चन है आपका, हियर इज योर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम. फ्लोएम का क्या फंक्शन है? ठीक है, व्हाट इज एक्चुअली परफॉर्म अ फ्लोएम. द आंसर इज फ्लोएम इज अ वास्कुलर टिश्यू इन अ चार्ज फॉर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. ये थोड़ा सा कॉन्साइज और थोड़ा सा चेंज करके मैंने आंसर लिखा है ताकि थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से लगे. अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से दे रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे और उम्दा नंबर मिल सकते हैं, मतलब कि यू कैन गेट अ हाईएस्ट मार्क. क्यों? क्योंकि देयर इज अ काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी. वैसे साफ और सिंपल तरीके से पूछा जाए कि व्हाट इज फ्लोएम डू, तो फ्लोएम एक काम करता है दैट इज द कंडक्शन ऑफ फूड एंड मिनरल्स. फूड एंड मिनरल्स. एक चीज और भी मैंने ध्यान रखने के लिए बोली थी कि फ्लोएम की हेल्प से जो मूवमेंट ऑफ फूड होता है वो डाउनवर्ड होता है. वो डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड नहीं आता. एमसीक्यूज में क्वेश्चन ये पूछा जाता है. ओके ओके, मूव टू द टॉपिक. टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपिरेशन. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर और दिस वीडियो, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली मीन अ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन का बेसिकली मतलब क्या है और काम क्या है, क्यों है, हमें जब तक समझ नहीं आएगा तब तक हम आगे अगर पढ़ेंगे तो हमें कुछ भी पल्ले नहीं पढ़ने वाला. समझ में आया? गेट इट? यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग इफ यू डोंट नो अबाउट दी व्हाट इज एक्चुअली ट्रांसपिरेशन. ओके, लेट्स सी व्हाट इज ट्रांसपिरेशन. हियर वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन इज इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर. मतलब कि ट्रांसपिरेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें प्लांट इवेपोरेशन की हेल्प से वाटर लॉस करते हैं फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ अ प्लांट. जो एरियल पार्ट है मतलब कि प्लांट का वो पार्ट जो जमीन के अंदर है, वो नहीं जो हवा में है, जो एटमॉस्फेयर में है, वो क्या करेगा? ट्रांसपिरेशन. लाइक स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, ये सारी की सारी क्या करेंगी? ट्रांसपिरेशन. एग्जाम्पल में दिया है जैसे कि लीव्स एंड स्टेम. ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच मॉइस्चर इज कैरिड आउट थ्रू प्लांट्स फ्रॉम रूट टू स्मॉल पोर्स ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स. मतलब कि रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ वो वापस लीप से क्या होगा? एवापरेट हो जाएगा. लीप के स्टोमेटल पोर्स से निकल के एवापरेट हो जाएगा. दैट इज योर ट्रांसपिरेशन. समझ में आया? वेर इट चेंजेस टू वेपर एंड इट्स रिलीज टू द एटमॉस्फेयर. जो वेपर में चेंज हो जाएगा और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा, क्योंकि क्या हुआ? ट्रांसपिरेशन हुआ एरियल पार्ट से ना. तो बेसिकली एरियल पार्ट से जो हुआ प्लांट के, वो कहाँ गया? एटमॉस्फेयर में. हियर इज द टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन. बेसिकली ये बताना जरूरी है कि ट्रांसपिरेशन हैव अ डिफरेंट काइंड्स आल्सो. कि मतलब ट्रांसपिरेशन के कुछ टाइप्स भी हैं. वो क्यों हैं, कैसे हैं,
वो क्यों जरूरी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझना ज्यादा जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो कौन कौन से टाइप्स हैं, या क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि ट्रांसपिरेशन अकर्स इन द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो नहीं पता है तो कंफ्यूजन होगा, अगर पता है तो मालूम चल जाएगा। ओके, लेट्स सी द टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। जैसा कि डेफिनेशन में ही मैंने बात की, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटास आर प्रेजेंट अंडर साइड ऑफ अ लीफ। एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां से ट्रांसपिरेशन होता है। ओके, समझ आया ना? ठीक है ठीक है। तो दूसरा पॉइंट जो है वो है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। एज यू नो, अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ देखी है तो वहां पे आपको क्यूटिकल्स मालूम होगा। तो क्यूटिकल्स हैव अ पोर, और दे एक प्रोसेस क्यूटिकल्स होती है दैट इज नोन एज, या एक पोर दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड हाइडेथोर्स। क्या? Hydrothorns, and they actually hydrothorns do a cuticular transpiration. And here is, oh sorry, here is a third, lenticular transpiration. Lenticels, you know, lenticels stem में present होते हैं, है ना? हाँ सही, मुझे मालूम था कि आपको पता है कि lenticels कहाँ present होते हैं। ठीक है, तो lenticular transpiration भी एक type है transpiration का जहाँ से water loss होता है। Basically इसका मोटा मोटा मतलब है the loss of water from the aerial part of a plant. समझ गए? ठीक है। Okay, here is the diagram so you can better understand how the transpiration has occur. जैसा कि आप देख सकते हो, this is the root and the root here helps to absorb water, conduct water throughout the plant body. And here is your leaf and water is going to all part of a plants. And remember, from here the top and the bottom side of a plant do a transpiration. Water evaporates. मतलब जैसे धूप पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी, तो वाटर क्या होगा? इवापरेट होगा, नीचे से सक करेगा विद द हेल्प ऑफ योर जाइलम। वाटर कंडक्ट हो जाएगा प्लांट बॉडी में और इवापरेट होगा लीफ से इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। डार्क में नहीं होगा, सनलाइट के प्रेजेंट में होगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपिरेशन क्या है। तो वो बात करते हैं आज के पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में कि ट्रांसपिरेशन होता भी है या नहीं, क्योंकि साइंस बिलीव करता है प्रैक्टिस प्रैक्टिकल में कि वो चीज हुई हो। तो हियर वी विल टॉक अबाउट द डेमोंस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन। हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो हमें ट्रांसपिरेशन के बारे में बताएगा। द फर्स्ट पॉइंट इज योर रिक्वायरमेंट। इस चीज को करने के लिए व्हाट यू नीड इज अ बेल जार, वेल वाटर पॉटेड प्लांट, मतलब एक ऐसा प्लांट जो अच्छे से प्लांट किया गया हो, रबर शीट, ग्लास प्लेट एंड वैसलीन। इफ यू हैव अ जार लाइक स्ट्रक्चर, बेल जार लाइक स्ट्रक्चर, यू कैन परफॉर्म इट एट योर होम। नहीं तो मैं एक तरीका बताऊंगा जो आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे कर सकते हैं और मजे उठा सकते हैं। और दूसरी चीज मेथड के देखते हैं, तरीका हमें पता चल गया क्या क्या चाहिए। तो वी नीड मेथड हाउ टू डू दिस एक्सपेरिमेंट, हाउ टू डेमोंस्ट्रेट अ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो मेथड में सबसे पहला है हमें करना क्या है, टेक अ वेल वाटर हेल्दी पॉटेड प्लांट। मतलब जरूरी है कि जो ट्रांसपिरेशन हो रहा प्लांट से हो रहा, तो वी नीड अ हेल्दी प्लांट एंड कवर द पॉट विद द हेल्प ऑफ रबर शीट। उस प्लांट को हम रबर शीट से कवर कर देंगे, प्लांट को रबर शीट से कवर कर देंगे ताकि कोई भी प्रोसेस ना हो पाए, ना सनलाइट आए, ना कुछ भी आए। ओनली एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट शुड रिमेन अनकवर्ड, मतलब उसका जो एरियल पार्ट है उसको अनकवर्ड रखेंगे और बाकी चीजें हम ढक देंगे, लाइक लीव, स्टेम, दोनों को कवर्ड नहीं रखेंगे, बाकी सारी चीजें हम रबर से, शीट से ढक देंगे। द नेक्स्ट स्टेप सेज कीप द पॉटेड प्लांट ऑन अ ग्लास प्लेट एंड कवर इट विद अ वेल जार, मतलब उसको एक प्लेट पे रख के कवर करना है। अब ये सारी चीजें अज्यूम करो कि एक प्लांट ले लिया हमने, उसको रबर शीट से कवर कर दिया, लेकिन उसका एरियल पार्ट एज इट इज खुला है, और साथ ही साथ हमने क्या किया, उसको एक प्लेट पर रख के बेल जार से ढक दिया। बेल जार मतलब कि एक ऐसा जार जिसका आकार घंटी की तरह हो, अंडरस्टैंड? तो स्कूलों में घंटियां बजती हैं बड़ी वाली, वैसे ही। ठीक है, डायग्राम में देखेंगे आपको जरूर समझ में आएगा कि ये क्या है। ओके, द थर्ड स्टेप इज अप्लाई वैसलीन ऑन द बेस ऑफ अ बेल जार to prevent outer air to pass into. Basically, इसका मतलब ये हुआ कि हमें पूरा वैक्यूम बना देना है, मतलब कि अंदर का जो भी है वो अंदर ही रहे, बाहर का जो भी है वो बाहर से अंदर की तरफ ना जा सके। The fourth step is keep the whole apparatus in light and observe for some time. Light में जो रखना जरूरी है, क्योंकि because
प्लांट परफॉर्म देयर फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट्स व्हाई इन द, जैसे कि मैंने ट्रांसपिरेशन के बारे में बताया, आई टोल्ड यू अबाउट द ट्रांसपिरेशन, बेसिकली इट अकर्स, तो ट्रांसपिरेशन होता है, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, नॉट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है और सनलाइट की एब्सेंस में नहीं होता. हियर इट इज द फिफ्थ स्टेप ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, सेट अनदर एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली इन द सेम वे, सेम तरीके से करना है, बट उसमें एक कोई भी प्लांट नहीं रखना. क्या रखना है? एक भी प्लांट नहीं रखना, मतलब वो ऐसा ही रहेगा, खाली रहेगा, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम, बट एक चीज हटा देनी है, दैट इज योर हेल्दी पॉटेड प्लांट. एंड वॉट विल वी सी बाई डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट इज, ओके लेट्स सी द ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा ऑब्जर्वेशन में, वाटर ड्रॉप्स अपीयर इनसाइड द वॉल ऑफ अ बेल जार, मतलब बेल जार के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे. क्या दिखाई देंगे? वाटर ड्रॉपलेट. हाँ सही बात है, वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देंगे. कंटेनिंग अ पॉटेड प्लांट व्हाइल देयर इज नो ड्रॉप इन द अनदर बेल जार, मतलब जो दूसरा जार आपने रखा था उस बेल जार के अंदर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन पहले वाले जार के अंदर दिखाई दिया, क्योंकि वहां पे क्या है, एक प्लांट. तो इससे क्या प्रूफ होता है, इसका रिजल्ट भी तो जानना जरूरी है. इसका रिजल्ट ये दिखाता है, और साथ ही साथ आप डायग्राम भी देख सकते हो कि इसका रिजल्ट ये दिखाता है, बिकॉज वाटर ड्रॉप्स अपीयर ओनली इन अ बेल जार इन व्हिच पॉट इज हैविंग अ प्लांट विद इट्स ओनली एरियल पार्ट एक्सपोज्ड. जैसा कि देख सकते हो, दिस इज द रबर शीट, ओके, एंड द एरियल पार्ट ऑफ अ प्लांट इज ओपन, मतलब हमने उसे कवर नहीं किया. हियर इज अ प्लेट, प्लांट प्लेट इज सील्ड विद अ वैसलीन विद बेल जार. आफ्टर सम टाइम यू कैन सी वॉटर ड्रॉपलेट्स अराउंड इन साइड द बेल जार. इट मीन्स प्लांट डू अ ट्रांसपिरेशन बिकॉज दे रिक्वायर वाटर. क्यों? ज्यादा गर्मी होती तो पेड़ अगर पानी नहीं मिल पाता तो सूख जाते हैं, जस्ट बिकॉज दे लॉस देयर वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. बहुत ही सिंपल था लेकिन मजेदार था. और करना कैसे पता है, अगर ये करना चाहते हो तो अगर आपके आसपास कोई छोटा सा प्लांट ले लो, लेकिन हाँ बड़े प्लांट को थोड़ा सा तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता, तो छोटा सा कोई ग्रास लाइक प्लांट ले लो जो तुम्हें लगे ये घास है और किसी काम का नहीं है. तो करना क्या है, एक पॉलीथीन लो, उस प्लांट के ऊपर पॉलीथीन बांध दो, लेकिन हाँ प्लांट को उखाड़ना नहीं है, बांध दो कुछ दिन के लिए, मतलब आधे घंटे एक घंटे के लिए छोड़ दो, उसके बाद आके देखोगे तो प्लांट जो पॉलीथीन है उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाएगा. इट जस्ट बिकॉज योर ट्रांसपिरेशन. दिस इज द सिंपलेस्ट वन. ओके नेक्स्ट मूव टू द अनदर एक्सपेरिमेंट वेयर वी विल सी अबाउट मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन, की ट्रांसपिरेशन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, या कह सकते हो कि ट्रांसपिरेशन रेट क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, हाउ इट इज गोइंग टू बी मेजर्ड. यहाँ पे मेजर करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, लेकिन वी विल टॉक अबाउट द ओनली टू मेजर एक्सपेरिमेंट विच इज इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर अकेडमिक्स एंड अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम. विल सी हाउ द मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज गोइंग टू बी अकर. हियर इज द फर्स्ट, वी यूज अ मेथड कॉल्ड वेइंग मेथड. इसमें एक वेइंग मेथड, दुकानदार का तराजू देखा है, पुराने जमाने वाला है, इस जमाने वाला नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वाला, सेम एज इट इज वैसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे और आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है. वेइंग मेथड इज अ मेथड टू चेक ट्रांसपिरेशन इन विच अ स्मॉल लाइट वेट पॉटेड प्लांट कैन बी वेटेड, मतलब एक हल्का भी प्लांट हो तो उसको भी वेट कर लें, ऐसा हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे. बिफोर एंड आफ्टर एंड ऑफ अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम से पहले भी और कुछ टाइम के बाद भी, दोनों, मतलब ताकि हमें कंपेरिजन मिल सके कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कितना है. हाँ ठीक है, द सॉइल सर्फेस एंड पॉट शुड बी फुल्ली कवर्ड टू प्रिवेंट, मतलब उस चीज को हम कवर्ड कर देंगे, फुल्ली कवर्ड, ताकि उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना है. क्या ना है? डिस्टर्बेंस, ताकि कुछ खुरापाती बच्चे भी होते हैं, डिस्टर्बेंस कर देते हैं, तो ऐसे बच्चों से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रिवेंशन. अंडरस्टैंड? यस. ओके. और साथ ही साथ इवेपोरेशन फ्रॉम द सर्फेस आउटर देन द प्लांट, मतलब और प्रिवेंशन कहाँ से रखना है कि ताकि इवेपोरेशन भी ज्यादा ना हो सके, उसको भी प्रिवेंट करना है. द लॉस इन अ वेट बाय द प्लांट ड्यूरिंग दैट टाइम इज ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन. वाटर, मतलब कि प्लांट में वाटर लॉस होगा तो भी प्लांट का वेट क्या होगा? कम होगा. ये डेमोन्स्ट्रेट क्या करेगा? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के कितना हुआ है. अब इसको एक थोड़ा सा डायग्राम से देख लेते हैं ये कैसे होता है. जैसे मैंने कहा था, एक तराजू लो जिससे समझ में आ जाए. वी हैव अ जार वन ए एंड वी हैव अ जार बी.
इन अ जार ए यू कैन सी वी हैव अ प्लांट, हेल्दी प्लांट, ओके सॉरी आई एम सॉरी, ओके यहाँ पे हमें एक जार के अंदर हमने कवर्ड करके रखा है एक आपके टेस्ट ट्यूब को, जिसमें दो टेस्ट ट्यूब है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, बट ए वाले में क्या रखा है हमने एक प्लांट, उसको इस तरीके से काटा है ताकि उसका रूट ना हो, बाकी सिर्फ और सिर्फ उसका स्टेम पार्ट हो, और ताकि वाटर को वाटर का हम देख सकें कि इसमें एक्चुअली ट्रांसपोरेशन होता है नहीं होता। ऑयल लेयर रखना ज़रूरी है क्योंकि एटमॉस्फेयर टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर की हेल्प से भी वाटर इवेपोरेट हो जाता है कभी कभी, अगर रूम टेम्परेचर गर्म हो तो ऑयल क्या करेगा उस चीज़ को प्रिवेंट करेगा। अब इसमें क्या होगा कि जिस चीज़ में वाटर लॉस देखना है मतलब रेट ऑफ ट्रांसपोरेशन देखना है, वी आर गोइंग टू मेजर अबाउट दी वाटर इवापोरेशन रेट कि वाटर कितना इवापोरेट हुआ है, वेट मेजर करेंगे एंड फाइनली वी कंक्लूड हेयर इज योर ट्रांसपोरेशन रेट। ओके इट्स दिस इज गोइंग टू बी बेस्ट और वी कैन से देर इज लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट यू कैन डू ऑल्सो। एक हेल्दी प्लांट लो, उसे ऐसे ही वे कर दो और बाहर उसे ऐसे थैली से रैप करके छोड़ दो और उसके बाद फिर से वेट करो, तो यू कैन कम टू कंक्लूड दैट येस द एक्चुअली वेट ऑफ वाटर प्लांट इज चेंज, है ना, जो पहले लिया था उसका कुछ और था, बाद में ट्रांसपोरेशन के बाद कुछ और हो गया, जस्ट बिकॉज द लॉस ऑफ वाटर और ट्रांसपोरेशन इन प्लांट इट रिड्यूस द वेट एंड इट इज गोइंग टू बी कंक्लूड एज अ रेट ऑफ ट्रांसपोरेशन। येस यू गॉट इट, आप तो हो साइंटिस्ट, आप कर सकते हो। ओके मूव टू द अनदर एक्सपेरिमेंट, द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज नोन एज गैनंग्स फोटोमीटर। एंड गैनंग्स फोटोमीटर, गैनंग्स एक साइंटिस्ट हैं और फोटोमीटर एक डिवाइस which is used to measure the rate of transpiration. Let's see what he does. Gannings ne kya kiya apne photometer ke saath. A photometer is a device which is used to measure water uptake by shoot during transpiration. Shoot ki help se kitna water uptake hua hai, us cheez ko measure karte hain by help of photometer. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांसपिरोमीटर, मतलब कि ट्रांसपिरेट जो रेशन रेट हुई है उसको भी मेजर करते हैं, इसलिए उसको ट्रांसपिरोमीटर भी कहते हैं। और साथ ही साथ गैनिंग्स फोटोमीटर इज यूज टू मेजर द ट्रांसपिरेशन रेट इन लैबोरेटरी, ना कि बाहर। अब पता चला गैनिंग्स फोटोमीटर लेके जंगल में गया और कहलाओ ट्रांसपिरेशन रेट मेजर करते हैं, नहीं वहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि द अमाउंट ऑफ लाइट इज मच हायर, यू कैन नॉट कंट्रोल outside of the laboratory, that's why this is not going to be a perfect your result and you cannot get a conclusion about the photometer. ठीक है, तो बात करते हैं next point की, तो इसके procedure के बारे में बात करेंगे, how will Gannon's photometer perform. तो पहले क्या करते हैं, a few drop of eosin oil is added to water to make it colored, मतलब eosin oil colored होता है, हम water के अंदर mix कर देते हैं, इससे हमें वाटर अपटेक के बारे में पता चलता रहे और दिखता भी रहे कि वाटर में मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि वाटर क्लियरलेस है ना, कलरलेस है ना, तो हमें यू कैन नॉट सी इजीली द वाटर मूवमेंट। ओके, तो चीज को इजीली विजुअलाइज करने के लिए हमने क्या ऐड किया, इओसिन ऑयल। इओसिन ऑयल, हियर इज द नेक्स्ट स्टेप, अ फ्रेशली कट ट्विग इज प्लेस्ड ऑन ए माउथ ऑफ अ ग्लास सिलेंडर, मतलब ग्लास सिलेंडर पे हम फ्रेशली कट ट्विग रखेंगे, ट्विग लाइक की प्लांट का एक छोटा सा पार्ट काट लिया और उसको ऐसा काटना है, मतलब ऐसे काटना है ऑब्लिगेट करके थोड़ा सा तरछा, ताकि एक लार्ज सरफेस एरिया स्टेम को मिल पाए, शूट को मिल पाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन रेट को दिखा सके और हम इजीली कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, गैनांग्स फोटोमीटर के बारे में बात कर रहे हैं, किसके गैनांग्स। अ सिंगल एयर बबल हैज टू बी केप्ट एट जीरो रीडिंग, मतलब एक भी अगर निकल रहा है तो वो जीरो रीडिंग पे करते हैं, जस्ट हॉरिजॉन्टल बार में कभी कभी होता है कि वाटर फिल कर रहे हैं तो साथ ही साथ एयर भी चली जाती है, हवा भी चली जाती है, इसलिए उसे हम जीरो रखते हैं। लिफ्टिंग द बेंट एंड अलाउ द एयर बबल टू एंटर एंड गेट ट्रैप इन हॉरिजॉन्टल बार, हम क्या करेंगे एक तरफ से उसे लिफ्ट कर देंगे ताकि वो थोड़ा हॉरिजॉन्टल हो जाए और ये अलाउ करें कि उसके अंदर एयर बबल बने, जस्ट बिकॉज अगर एयर बबल बनेगा तो वो मूव करेगा, अगर वो मूव करेगा और प्लांट अगर वाटर यूज कर रहे हैं तो एयर बबल मूवमेंट शो होगा और इट एक्चुअली विजुअलाइज मेजरमेंट ऑफ योर ट्रांसपिरेशन रेट। ओके, डायग्राम में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। द नेक्स्ट पॉइंट सेज, व्हेन द एक्सपेरिमेंट बिगिंस इट इज ऑब्जर्व दैट द एयर बबल एट द जीरो रीडिंग स्टार्ट टू मूव, है ना, व्हेन द एक्सपेरिमेंट बिगिंस
अगर वो एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, इट इज ऑब्जर्व दैट द एयर बबल एट द जीरो रीडिंग स्टार्ट टू मूव, वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है. ओके, लेट्स सी द अनदर पॉइंट ऑफ दिस गैनांग्स फोटोमीटर. और यहाँ पे हम दूसरे इसके पॉइंट के बारे में बात करेंगे. और ये रहा आपका, और उसके साथ साथ थोड़ा सा डायग्राम में देख लें, लेट्स सी इन टू द डायग्राम. और जो रिजल्ट आएगा इसका आपका गैनांग्स मीटर का, विच मेजर्स द ट्रांसपिरेशन रेट बाय द फोटोमीटर एज द ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस. मतलब जैसा कि ट्रांसपिरेशन होगा, अ ट्रांसपिरेशन पुल इज क्रिएटेड. मतलब कि व्हेन अ प्लांट इज स्टार्टेड टू अब्सॉर्ब वाटर एंड इट इवेपोरेट विद द हेल्प ऑफ देयर लीफ, और साथ ही साथ क्या होगा, एयर बबल आपके फोटोमीटर में मूव करता स्टार्ट दिखाई देगा, और जिसकी वजह से हमें मालूम पता चल जाएगा, यू कैन कम टू अंडरस्टैंड एक्चुअली वाटर इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब बाई अ प्लांट और इट इज इवापोरेटेड बाय अ प्लांट, ठीक है. एंड ट्रांसपोरेशन पुल इज क्रिएटेड बाय द शूट टू मेकअप फॉर द लॉस. जो एक ऐसा शूट बनाएंगे जहाँ पे हमें वाटर लॉस दिखाई देगा, ठीक है. ड्यू टू दिस द हॉरिजॉन्टल बबल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्विक. मतलब जहाँ पे हमने प्लांट को कट करके लगाया है, ट्विक किया है, वहाँ की तरफ आपका जो एयर बबल है वो मूव करना स्टार्ट करेगा. दैट इंडिकेट दैट द वाटर एब्जॉर्प्शन एंड द ट्रांसपिरेशन इज स्टार्टेड टू बिगिन, ठीक है. द ट्रांसपिरेशन इज कैलकुलेटेड, मतलब जो रेट को हम कैलकुलेट करेंगे इज बाय टेकिंग अ डिस्टेंस कवर्ड बाय एयर बबल. मतलब स्टार्टिंग में जो एयर बबल था वो उसकी पोजिशन क्या थी, एट द एंड ऑफ दी एक्सपेरिमेंट उसकी एयर बबल की जो पोजीशन है उसको कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस को, और एक सर्टेन टाइम पीरियड लेंगे, और उसके साथ साथ हम उस क्या करेंगे, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल या ट्रांसपिरेशन रेट को मेजर करेंगे. द एवरेज ऑफ दीज रीडिंग गिव्स द ट्रांसपिरेशन रेट. अब इनका जो डिस्टेंस और टाइम का मिला है, विल गोइंग टू मेक कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दिस रीडिंग एंड विल गेट अ ट्रांसपिरेशन रेट, ठीक है. लेट सी द डायग्राम. हियर इज द डायग्राम इंडिकेट्स योर गैनांग्स फोटोमीटर. As you can see that, एक हमारे पास एक बीकर है जिसमें हमने पानी वाटर लिया है, और उसके साथ साथ उसके अंदर ईओसिन मिक्स करते हैं, जस्ट बिकॉज वी कैन सी द वाटर इज स्टार्टेड टू मूव फ्रॉम द जार टू द प्लांट, ठीक है. और यहाँ पे एयर बबल दिखाई देगा, और ग्रेजुअली कैपिलरी ट्यूब्स में एक राइज दिखाई देगा, ठीक है, मूवमेंट दिखाई देगा. और यहाँ पे वाटर रखा हमने है, एंड ट्विग ऑफ अ कैलिस प्लांट लिया, एक कैलिस प्लांट का पार्ट लिया, और उसके साथ कॉक लगा के हमने टाई कर दिया. मतलब इसमें प्रिकॉशन दो चीज़ें लेनी है. पहली प्रिकॉशन ये है कि वी मेक श्योर कि जो ट्वेक्स लगे हैं बहुत ही टाइट हो, मतलब जो वाटर टाइट हो हर तरफ से, और इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए. उसके साथ साथ वी हैव टू कीप दी वन साइड बेंट या हॉरिजॉन्टल, सो वी कैन मेजर दी रीडिंग एज इजी टू पॉसिबल. ओके, this is the all about your experiment, how to measure the transpiration rate. और साथ ही साथ ये वीडियो का लास्ट था, और थोड़ा सा इसके हम लिमिटेशन के बारे में भी देखेंगे. What is the actual limitation of your Gannang's photometer? हाँ, तो Gannang's photometer का जो आपका limitation है, सबसे पहला point है, the photometer does not measure the transpiration rate. ठीक है, the photometer does not measure the transpiration rate accurately because not all water taken by, मतलब जितना भी water था उसके अंदर वो transpiration rate से नहीं लिया गया. It usually measure the rate of water uptake. उसके अंदर जो water uptake है, uptake हुआ है Gannang's photometer की help से, वो measure किया जा सकता है, but we cannot measure accurate reading of transpiration rate. ठीक है, समझ आया. दूसरा point कहता है, a twig placed on a glass, मतलब जो twig हम glass पे रखे हैं cylinder, might not stay alive for a longer time. मतलब वो जो plant हम ट्विक करके लाए हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए लाइव नहीं रह सकता, जस्ट बिकॉज देयर इज नो रूट प्रेजेंट, ठीक है. एंड द थर्ड पॉइंट सेज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ एयर बबल, मतलब जो एयर बबल उसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा इन अ हॉरिजॉन्टल बार इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि ट्रांसपिरेशन रेट इज गोइंग टू बी वेरी स्लोली, एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसलिए वहाँ पे हमें बहुत टाइम देना होगा, और ये थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ सकती है. ये एक Gannang's photometer की लिमिटेशन है, और साथ ही साथ आखिरी इसका लिमिटेशन है, a slight change in atmospheric temperature might affect the position of air bubble. कभी कभी अचानक से एटमोसफेरिक जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है, और उसकी वजह से आपके जो एयर बबल का पोजिशन है वो क्या होगा, चेंज हो सकता है. और ये कुछ लिमिटेशन है, ये भी बहुत ज़रूरी है Gannang's photometer के, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं होता या परफेक्ट नहीं होता, इस वजह से उसका क्या होता है, लिमिटेशन. ओके, लाइक मूव टू द अनदर. दिस
is your end of your video, and here we will talk about the question of this video. The first question is, what is transpiration pool? ठीक है, अभी इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज एक्चुअली अ ट्रांसपिरेशन पूल. अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको जरूर पता चलेगा. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रांसपिरेशन पूल. ओके, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट, शेयर और लाइक भी कर दें. द सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन ट्रांसपिरेशन. और हाँ, ये क्वेश्चन दोनों सिमिलर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि देर इज लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन अबाउट द ट्रांसपिरेशन पूल एंड ट्रांसपिरेशन. तो अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर को करेंगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन पुल एंड ट्रांसपिरेशन इज एक्चुअली गोइंग टू इजी अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड हियर इज द एंड ऑफ योर वीडियो. और साथ ही साथ मैम आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में. और आज के लिए बस इतना ही. और साथ ही साथ आप देखते रहें वीडियो, अगर नहीं समझ में आता तो बार बार देखें, रिपीट करें ताकि आपको समझ में आ जाए और आपकी एकेडमिक से प्रिपरेशन साथ ही चलती रहे. और हाँ, साथ ही साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग.